हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके सामने है यहाँ पे एक और स्कॉर्पियो एन ओनरशिप रिव्यू। आज के वीडियो में हम यहाँ पे इसी स्कॉर्पियो एन के ओनरशिप रिव्यू के बारे में बात करेंगे। भाई से बात करेंगे कि कब ली, क्या ली, कैसे ली, क्या नेगेटिव्स है और क्या पॉजिटिव्स है। तो हमारे साथ में भाई यहाँ पे खड़े है। हेलो भाई, तो भाई आपका नाम? कविराज राठौर। राठौर, राठौर नाम सुनते ही वैसे अक्षय कुमार याद आ जाते हैं। तो ये स्कॉर्पियो कब लिया आपने वैसे? मैंने ली थी 26 सितंबर को, फर्स्ट जिस दिन डिलीवरी, यानी राजस्थान की फर्स्ट कार थी ये। हाँ, मैंने सुबह 7:30 बजे ले ली थी गाड़ी, सुबह सुबह निकलवा ली और फर्स्ट कार बन गई ये राजस्थान की। और कितने की पड़ गई ये, कौन सा मॉडल है? ZL। वैसे वही मिल रहा है अभी, हाँ मैनुअल में। 4x4 थोड़ी है, 4x2 मैनुअल, 4x2 4x2। तो कितने की पड़ गई है ये? मेरे को पड़ गई 23,80,000 के समथिंग। 23,80,000। तो इंश्योरेंस वगैरह सब शोरूम से लिया? इसमें एक्सेसरी वगैरह भी हैं। अच्छा, एसेसरीज भी दी है? वैसे एसेसरी मैंने कम ली है। तो इसकी तो अभी लगा के नहीं दी होगी एसेसरीज? नहीं, एक दो है वो लगवा ली है, और कुछ मैंने लगवाई नहीं थी वो गाड़ी, मैंने साथ में ले ली थी, मैं लगवा लेंगे जब भी। अच्छा अच्छा फुल कैश में है या वैसे? फाइनेंस है। अच्छा, फाइनेंस है। और आपने जैसे इसकी पीपीओ वगैरह भी करवा ली इसके ऊपर? पीपीओ करवाई है, रिसेंटली करवाई है। कितनी चला दी अभी आपने इसको? ये चल गई है 4,300 का समथिंग। 4,000? तो 4,000 चलाई। तो इसमें माइलेज सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि माइलेज कितना देती है? माइलेज तो हाईवे पे तो बड़ी है, हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं है, 16 तक दे देती है, एसी के साथ या विदाउट एसी? एसी के साथ, और अपन भी मेंटेन रखते हैं 120-130 तक, मतलब मेंटेन रखते हैं। और 120 के बाद क्या स्टेबल है कार? स्टेबल है गाड़ी, स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल है। मैंने फॉर्च्यूनर भी चलाई है भी, हमारे फैमिली में भैया के पास है भी, वो भी चलाई है, पर उससे गाड़ी स्टेबल है। अच्छा, फॉर्च्यूनर से बेस्ट है? हाँ, गाड़ी स्टेबल है और फॉर्च्यूनर से इतनी लाइट है चलाने में, इतनी कंफर्टेबल है, उससे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और पावर वगैरह एक्सपीरियंस आपने ड्राइव किया तो वो? बहुत, मेरे को कोई ऐसी नहीं लगा कि गाड़ी अंडर पावर है या फिर कुछ ऐसे पावर नहीं है गाड़ी में मेरे को, मतलब मैं इसको जैप मोड पे चलाता हूँ तो भी ऐसा नहीं लगता कि। अच्छा, ये जो 4-5 मोड आते हैं इसमें फर्क पड़ता है क्या कुछ? हाँ, इसमें टॉर्क वगैरह का, पावर वगैरह का फर्क है। तो माइलेज बढ़ता है क्या जैसे? हाँ, माइलेज का फर्क आता है हर मोड में, जैसे जूम मोड में जाएंगे अपन तो उसमें माइलेज ड्रॉप हो जाता है। तो इसका जो आपने सर्विस ली, तो सर्विस एक्सपीरियंस जैसे कि महिंद्रा का लोग बोलते हैं कि महिंद्रा का सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता? नहीं नहीं, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा था भाई, औरों का पता नहीं, मेरा खुद का बहुत अच्छा था। इसकी सर्विस हो गई? एक तो फर्स्ट जो 1000 किलोमीटर वाली चेकअप वाली होती है जो, वो हो गई। कितनी देर लगाई उन्होंने करने में उनका? मैं एक्चुअली हुआ क्या था, उस दिन मैंने स्लॉट बुक नहीं किया था। अच्छा। अभी जैसे अपन बुक करके जाते हैं ना तो वो मतलब 1 आवर के विदिन दे। अच्छा, एक घंटे में दे देते हैं। पर मेरा बुकिंग नहीं था, फिर मैंने वहाँ पे भैया एक दो उनसे बात करा के वो किया, क्यों वो ऑलमोस्ट गाड़ियाँ बुकिंग पे पहले बुक करा। हाँ, इसके शायद अलग से करते हैं, कुछ अलग से सेक्शन बनाया हुआ होगा सब गाड़ियों की। क्या है कि बुकिंग करा के आओ पहले से, भैया अपने पहले वाले दिन कर लो, अपना स्लॉट बुक कर लो। पर मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे को ऐसा कुछ पता भी नहीं था, ध्यान नहीं था, तो मैं गया था बोल पे आपके स्लॉट बुक कर रखे, नहीं कर रखा भैया अभी, तो बोले कि है, पर बोले चलो मैं करा देता हूँ, आपका रेलवे चेकअप ही है तो मैं करवा देता हूँ, तो उन्होंने करवा दिया था 1.5-2 घंटे के। और डिलीवरी में, डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, जहाँ पर अपने केएस मोटर्स, केएस महिंद्रा, हाँ केएस जयपुर वाला, हाँ वैशाली नगर से, हाँ हाँ गए हुए हम। तो इतनी आपने चलाई, इसमें आपको क्या फीचर बेस्ट लगा जिससे कि आप फिदा हो गए वो उस चीज़ पे? इसमें ऐसा कोई नहीं है कि एक ही फीचर अच्छा हो, इस गाड़ी में सारे फीचर्स बढ़िया, सारे A to Z, सारे
हाँ इसका साउंड सिस्टम सबसे बेस्ट लग रहा है, साउंड 3D वाला। कई बोलते हैं कि इस में भी ये स्पीकर इतना परफॉर्म नहीं करते इतना अच्छा, पर मेरे को जैसे फॉर्च्यूनर हो गई, इंडेवर हो गई भाई, इसके साइज मतलब इसके साइज की गाड़ी इसके साइज आधे इसके बराबर की लग रही है या इससे भी ऊपर ही लग रही है। सफारी भी है तो उनसे भी बेस्ट इसके साउंड। हाँ और सफारी तो और भी थोड़ा ऊपर निकल जाती है बजट में भी, बजट में इससे ज़्यादा। हाँ और इसका तो वैसे टोरा ही अलग है, ऐसे बत्तियाँ और लगा ले चार दो। ये तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई गाड़ी में भी कोई भी। और इतनी चलाने भी आपको ऐसा कुछ लगा हो कि ये फीचर मिसिंग है, ये फीचर आ सकता था इसमें, और कुछ नेगेटिव वगैरह कि ये कुछ तो होगा ही इतनी चलाई है? नेगेटिव मेरे को एक ही लगता है कि Z8L मॉडल है, ये टॉप मॉडल है, इसमें जो ऑटोमेटिक में व्हील आते हैं 18 इंच की वो देने चाहिए, इसमें 17 वाला ही है, 17 वाले हैं इसमें, वो देने चाहिए थे। हाँ वो सभी यहाँ पे कस्टमर की परेशानी है, सभी ऐसे ही बोलते हैं कि ये ऐसा दोगलापन क्यों करते हैं। वही चीज़ है कि ऑटोमेटिक में है पर है सेम मॉडल अपना टॉप मॉडल, हाँ फिर भी इसमें वो नहीं है। तो इसमें आपने PPF करवा ली तो क्या कॉस्ट आई PPF? PPF की अराउंड 1 लाख, 1 लाख की। उसमें मेरा और भी पैकेज है जैसे इंटीरियर का भी है मेरा। अच्छा। इंटीरियर लेदर वगैरह कोट। अच्छा लेदर उसमें कोट किया है या लेदर? लेदर तो आता है, लेदर की अलग आती है कोटिंग, वो लेदर कोट होता है। अच्छा इंटीरियर भी कोट होता है? तो इंटीरियर भी कोटिंग है उसमें, इंटीरियर वगैरह अलॉय व्हील वगैरह ये तो सारा भारतीय पैकेज में आता ही है। पन्निया वापस लगा ली? वो उन्होंने वापस लगा दी, मैंने तो बोला था हटानी है, पर वो उन्होंने क्या किया कि करने के बाद में वो वापस लगा दी। वो एक भाई था साथ में, वो बोला कि वापस लगा देना, तो उन्होंने उसके ध्यान रख के वो वापस लगा दी उस टाइम। और कीज दोनों दे दी क्या? नहीं की अभी एक मिली नहीं, अभी मिल जाएगी थोड़े दिन का बोला है मेरे को। तो इस बजट में और कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी आपने? मैंने पहले अप्रैल में सफारी बुक की थी एक बार। अच्छा बुक भी कर दी थी? बुक कर दी थी, लेने भी वाला था डिलीवरी वाले, डिलीवरी से एक दिन पहले ही मेरा कैंसिल हो गया। मैंने देखा मैं नहीं गाड़ी मतलब। अच्छा उस टाइम कैंसिल की तब ये आ गई थी क्या? आई नहीं थी, इसका पता था वहाँ आएगी। मैं चलो इतना वेट किया अपन ने मतलब गाड़ी इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए, SUV के लिए, तो वहाँ और वेट कर लेते, वो नहीं है, 2-5-6 महीने की बात करते हैं। हाँ क्योंकि रियल डेडी है ये सारी ऐसी होगी। उसको कैंसिल कर दिया था सफारी को, सफारी की बुकिंग कैंसिल करवा के फिर मैंने ये लिया सफारी की। एक्चुअली बुकिंग कैंसिल भी क्या, वो बुकिंग अमाउंट नहीं कैंसिल करवाई भी नहीं थी, वो पड़ी है उनके पास, वो बोले कि आ जाओ वो कर देंगे उस पर सिग्नेचर वगैरह करके मेरा। अच्छा रे पर नहीं थे, कितने की हुई थी बुकिंग वो? बुकिंग तो 11 हज़ार। अच्छा पर वो मैं जा ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला मुझे। यो कितना कितना बिजी आदमी है आप कि 11 हज़ार लेने जाने का टाइम नहीं है। वो बात नहीं है, मैं क्या मेरा भी वहाँ पे तो इसमें ऐसा भी था क्या आपके पास कि बजट का कि कितना बजट है, कितनी कौन सी गाड़ियाँ लेनी है? जैसे सफारी बुक की तो इसका मतलब आपके पास बजट और भी ज़्यादा था? बजट की बात नहीं थी, गाड़ी मेन चीज़ था गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। हाँ गाड़ी SUV लेनी थी। सफारी टॉप मॉडल बुक किया था आपने? टॉप मॉडल नहीं था वो, शायद एक मॉडल नीचे था। अच्छा लगभग 25-20 लाख वाला? वो मेरे को इतना ध्यान नहीं है, वो पापा ने बुक किया था उस टाइम, मैं गांव था, पापा बुक करवा के रखी। ये चलाने के बाद में वो गाड़ी उसका स्टीयरिंग, हाँ वो अच्छी नहीं लगेगी, नहीं मज़ा नहीं उसमें, मज़ा नहीं आया उसको चला। मैंने टेस्ट ड्राइव भी लेके देखा था पर वो गाड़ी चलाने में ऐसा कोई मज़ा नहीं आया, मतलब थोड़ा लेगी टाइप में लग रहा था। और ये आप बोल रहे थे अभी कि ये नंबर के लिए आपको पैसे देने पड़े, ऐसे नंबर के लिए उसका कुछ डिटेल में? नंबर के लिए तो कुछ ही नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं था उसमें, जैसे अपन ये VIP वगैरह तो नहीं है? नहीं VIP वगैरह नहीं है ये, क्या एक्चुअली इसमें जैसे अपन ने ये कुछ उसमें ज्योतिष वगैरह का सिस्टम है, जैसे कि सारों को जोड़ के कुछ ओड नंबर है, ओड नंबर टाइप में। तो मैंने कुछ मैंने बोला था रेंडम मिलता तो वो ओड मिल भी सकता था ना भी मिलता। हाँ तो उसमें तो इसका कितना लगा एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा तो वो एक अपने जानकार भैया था उन्होंने करा दिया, अच्छा थोड़े सस्ते में ही करा दिया, चलो बढ़िया है, ज़्यादा कुछ नहीं पर उन्होंने करवा दिया था वैसे ही। और इसमें एक दिक्कत तो है ही, वो तो आप भी मानते होंगे, इसका कैमरा थोड़ा सा लेगी है, पर मैंने बात की थी तो वो बोले कि अभी सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे भी आता है, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, जैसे अपडेट आते जाएंगे वैसे सारा
एकदम लैग वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सही होगा। और वायरलेस वाला भी नहीं है इसमें, वायरलेस एंड्रॉइड वो एप्पल वाला, एप्पल वाला नहीं है यार, वो भी उसमें दे रखा है। देखो अभी अपडेट आता है तो वायर से कनेक्ट हो जाता है क्या एंड्रॉइड का, मेरे को पता नहीं, एप्पल वाला, एप्पल वाला पता नहीं है एंड्रॉइड वो कनेक्ट होता नहीं होता आई थिंक। अच्छा चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर से बात करते हैं। आपने कुछ लगवाया क्या इसमें, ये ऊपर रूप रील्स वगैरह? नहीं ये सारा साथ में है, साथ में आता है। ऊंची ऊंची लगती है वैसे, सारा कुछ साथ में है। एड्रिनॉक्स, ये एड्रिनॉक्स में क्या क्या फीचर दे रखे हैं? वैसे आपका एक्टिवेट हो गया? हाँ एक्टिवेट हो गया मेरा एड्रिनॉक्स में। यही है कि अपन गाड़ी की लाइट ऑन कर सकते हैं, स्टार्ट वगैरह भी हो जाती है क्या? स्टार्ट ऑटोमेटिक वाली हो जाती है, ये वाली नहीं होती। अच्छा ये नहीं होती, ऑटोमेटिक वाली होती, क्योंकि मैनुअल है, अपन गियर डाल के छोड़ देते हैं, उस वजह से उसको डिसेबल कर रखा है अभी। नहीं तो मैनुअल में जैसे i20 हो जाती है हमारी वाली, नहीं उसमें ये वाली नहीं होती, उसमें उसमें जैसे न्यूट्रल में करके छोड़ते हैं, हैंड ब्रेक ऊपर करके छोड़ते हैं ना, तो ब्लू लिंक से हमारी वाली स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो नहीं, ये नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं दिया ये मैनुअल वालों के साथ। डिसेबल कर रखा है, उसमें आता नहीं है। जैसे आपको मैं दिखाऊं तो उसमें क्या है कि ये खोलते हैं ना अपन, ऑटोमेटिक ओनली लिखा है, वो आएगा शायद। नहीं ये इसमें अभी इग्निशन ऑन है, इग्निशन ऑन हो तब तक खुलता भी नहीं है ये। अब देखो इसमें क्लाइमेट सेटिंग और इंजन स्टॉप वाला इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें मतलब इनको डिसेबल कर रखा है। इसमें ये ही है, विंडो अपन अप एंड डाउन कर सकते हैं, अच्छा मोबाइल सनरूफ खोल सकते हैं, हैजार्ड ऑन कर सकते हैं, सेंटर लॉकिंग का है, हॉर्न ब्लिंक का है, और सनरूफ का आ गया, हेडलैम्प का। सनरूफ और विंडो अलग अलग खोल सकते हैं इससे? हाँ अलग अलग, ये बढ़िया फीचर है। वैसे की से भी इसमें दोनों चीज खुल जाती है? हाँ की से भी, अपने की से तो खुलती है, जे की को दबा के रखते हैं तो दबा के रखते हैं, पर इसमें भी अपने ये है, और इसमें सारी लोकेशन दिखा देता है, फ्यूल डायरी है, ये कब अपने फ्यूल डलाया था, कितना क्या डलाया था, वो इसमें लिख के अपन रख सकते हैं, एवरेज वगैरह सारी चीजें दिखाती है। ये अपनी जो ट्रिप है, करंट ट्रिप है, जैसे कितने किलोमीटर अभी, जैसे 9.8 किलोमीटर 11.7 की माइलेज दे रही है अभी, जैसे ट्रैफिक में वो भी बता देता है, क्यों ये अपने वरी करता है ना कि अपन ट्रैफिक में चला रहे हैं सिटी के अंदर, तो माइलेज आ जाती है तो सिटी में तो ज़्यादा नहीं देती होगी, सिटी में माइलेज ज़्यादा नहीं देती, 12 का दे देती है, 11.7 12 11 11 12 तो सही है, 12.5 क्यों, इतनी बड़ी गाड़ी है फिर दिक्कत, सिटी में से अपन निकालते हैं तब भी टाइम लगता है इसको, एक तो अपन जैसे हैचबैक है इनको ड्राइव करते हैं, एक इनको करते हैं, हमारी हैचबैक भी 12 का ही दे रही है आज आपकी अरे वो भी विदाउट एसी, एसी कैच के लाए हैं हम, वो अपने वो करता है ना कि अपन ड्राइव कैसे कर रहे हैं गाड़ी को, वो ही है, अगर प्यार से चलाएंगे तो बढ़िया चलेगी। इंटीरियर वगैरह तो शानदार है वैसे, अभी इस पे कोटिंग वगैरह हो गई है, इसके ऊपर भी कोटिंग ही हुई है, इस पे क्या, इससे क्या है कि अपने डस्ट कम चिपकेगी और इजी टू क्लीन हो जाता है, जैसे कुछ लिक्विड वगैरह भी गिर जाता है ना तो अंदर नहीं बैठेगा, सीट वगैरह सब पे वो कोट हो गया है, वो वापस उन्होंने लगा दी थी, सारा इस पे कोट हो चुका है। ये तो मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ कि सीटों पर और इंटीरियर पर भी कोट होता है, तो सारा पैकेज एक वो 1 लाख का था। हाँ 1 लाख से कम था वो। अच्छा तो एवरेज मतलब 85 to 1 lakh के अराउंड था वो, मैंने अभी था वो नहीं। और इंटीरियर कंफर्टेबल, आप सीटें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है गाड़ी, भैया से भी आप पूछोगे पीछे बैठे हैं, पीछे वाली दोनों को हटा दे तो पीछे वाली दोनों को जैसे अपन तो जैसे पीछे वाली दोनों तो कुछ काम की है नहीं वैसे, आपको लगती है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बच्चे तो बैठ नहीं, मेरी जितनी हाइट के बैठते हैं कोई दिक्कत नहीं आती। आपको दिक्कत नहीं आती? नहीं नहीं, कल मैं 7 जने थे हम, आराम से गए बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप बैठ के दिखाओ, देखिए थोड़ा वैसे ऐसे ऐसे नहीं लगते, उछलते नहीं क्या पीछे से? इधर से खोलनी पड़ती है। देखो लास्ट रो है तो वो थोड़ा करता है कि भी लास्ट रो में अपन बैठे। हाँ थोड़ी वो चीज तो है, बाकी इतना नहीं है क्योंकि गाड़ी के सस्पेंशन वगैरह इतने सॉफ्ट दे दिए, कंफर्टेबल दे दिए हैं।
आपके लिए तो बढ़िया कंफर्टेबल है। और ये रिक्लाइन थोड़ी है, ये है रिक्लाइन होती है ये भी। अच्छा, इनको भी अपन रिक्लाइन कर सकते हैं। आपकी हाइट क्या है वैसे? क्या आपकी हाइट? 5'6" होगी। मैंने कभी ऐसे मेजर नहीं किया, पर थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई। कहीं पे प्रॉब्लम भी करती है, कहीं पे अपन जाली वाले उतारने में काम भी आती है लंबी हाइट। थर्ड रो भी अपन ऊपर रखते हैं तो नहीं आता है। ऐसा तो है नहीं है कि अपन मर्जी के हिसाब से इसको ऐसे लंबी कर देंगे, वो तो रोल के हिसाब से होता है। तो लास्ट तक जितना हो सकता है उतना महिंद्रा ने किया है। वो भी वेरी करता है आजकल, शायद मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जितनी लेंथ होती है गाड़ी की उस हिसाब से टैक्स वगैरह इन पे लगता है। टैक्स इस पर 50% लगता है टोटल, यानी कि ये आपको 23 की पड़ी है तो 12 लाख की कंपनी के पास जाता है लगभग। 12 भी नहीं जाता क्योंकि आपको तो लगभग 3-4 लाख रुपये RTO वगैरह के भी लगेंगे। ये 10 लाख रुपये के लगभग की गाड़ी है वैसे, क्योंकि RTO वगैरह के सब लगते हैं आगे। हाँ, एक शोरूम इसकी लगभग 20 लाख की लगभग ही होगी। 19,50,000। हाँ, तो इसके भी 0.5% ही है कंपनी के। तो ये तो अपने उसमें है ना, जैसे 25,000 के अंदर जो बुकिंग। हाँ, अब तो बढ़ गई होगी, अब शायद 1.5-2 लाख बढ़ जाएगी। बाद में मिलेगी गाड़ी 25,000 के बाद में, उनको तो प्राइस इंक्रीज होकर मिलेगी। सही है, जैसे थार के XUV के बढ़े वैसे ही इसके भी बढ़ेंगे। वो तो शुरुआत में क्या ना हाइप बनाने के लिए थोड़ी सस्ती कार है, वैसे तो 2-3 लाख बढ़ जाएंगे तो भी सस्ती रहेगी। वैल्यू फॉर मनी है गाड़ी वैसे तो, अगर अपन फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हैं और अपने और इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं, अब अपन क्रेटा से भी इसको कंपेयर करते हैं एक तरह से प्राइस में, तो उससे वैल्यू फॉर मनी है गाड़ी। उसमें उतना ही था कि पैनारोमिक सनरूफ ही आती है ज़्यादा, अगर अपन फीचर्स में देखें उसमें, बाकी हाइट के मामले में, लेंथ के मामले में, कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी उससे बेस्ट है। सनरूफ कैसी लगती है इसकी आपको? सनरूफ सही है, इतना वो नहीं है कि भाई अपन को पैनारोमिक सनरूफ चाहिए, बस सनरूफ की जगह अपन सेटिस्फाई है, इतना वो नहीं है कि इतना वो चीज़ तो होती है। कोई भी अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि अब इसमें पैनारोमिक सनरूफ होता तो और भी बढ़िया होता, पर वो होता ना कि किसी की नीड अपन कंप्लीट नहीं कर सकते कोई भी। हाँ, आदमी की जैसे बढ़ती रहती है। हाँ, अब कोई भी गाड़ी हो जैसे XUV में अपन को पूरी पैनारोमिक सनरूफ मिलती है, पर उसकी ड्राइविंग में इसकी ड्राइविंग में वो नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते ना अपन। उसकी कंफर्टेबल है थोड़ी सी ड्राइव इससे, पर अपन अगर इसमें जाते हैं ऑफ रोडिंग टाइप में जाते हैं तो इसको ले जा सकते हैं उसको, मतलब बिना झिझक ले जा, क्योंकि जैसे सफारी वगैरह और गाड़ियाँ लेते हैं तो वो फ्रंट व्हील ड्राइव आती है और ये रियर व्हील है और लेडर ऑन फ्रेम वगैरह भी है, तो हाँ बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ, तो ये अगर 4x2 है ना तो भी अच्छे से निकल जाएगी, कहीं पे ले जाओ, क्योंकि जैसे बोलेरो वगैरह होती है ना वो कहीं से भी निकल जाती है क्योंकि वो उसमें रियर व्हील ड्राइव होती है। दोस्तों, ये था यहाँ पे कुछ ओनरशिप रिव्यू यहाँ पे स्कॉर्पियो N के ओनर का। हमने वैसे 3 ओनरशिप रिव्यू किए, आप कंपेयर कर लेना तीनों को। तीनों ओनर्स के ओपिनियन कुछ दो ओनर्स के तो सेम है, एक ओनर के कुछ अलग से है, लेकिन वो सबके अलग अलग है। वो तो वेरी करता है भी, हाँ, सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग अब चलाने भी कैसे, लेकिन आपकी लगभग सेम है, बढ़िया है आपकी। जैसे कि आपके जो रिव्यूज़ है लगभग ओनर्स वो ऐसे ही रिव्यू दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अलग रिव्यू दे रहे हैं। लेकिन तो अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।